नमस्कार, आज हम 15 जनपद के भीम ऑडिटोरियल में मौजूद है, जहां ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक दिवसीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जहां आप लोग देख सकते हैं कि कई जगह से लोग पहुंचे हुए हैं। हम किसी लोग की बातों से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कहां से आए आप। हाँ जी, गुड़गांव से। क्यों आए यहां पर? हमारे समाज का कार्य था, इसलिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम है? ये अपना संविधान दिवस मनाने के लिए। क्यों मना रहे हैं आज संविधान दिवस? वैसे तो 26 को मनाना था, लेकिन क्योंकि ये LIC से है और हमारी छुट्टी आज की थी, तो इसलिए आज इसको मना रहे हैं। तो क्या क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि संविधान दिवस पर क्या क्या समाज में जानकारी जाना चाहिए? यही संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसके क्या राइट है, किसको क्या अधिकार है, जो उनको मिलने चाहिए उन्हें मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उसी के बारे में समाज को अवगत कराया जाता है कि संविधान में हमें राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। सर, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? पटेल नगर से। तो क्या कहेंगे आज संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है भीम ऑडिटोरियल में, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? उस पर यही है कि भारत सरकार से है ना एक अनुरोध किया जा रहा है कि जो संविधान में प्रोविजन है उनको है ना लागू किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, समाज को संविधान में जो हमारे प्रोविजन है, जो अधिकार मिले हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और हम जानेंगे कि यहाँ लोग जो अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं उनका बारे में और क्या बोलेंगे। सर, कहाँ से आए आप? मैं सर बुलंदशहर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार अशोक, एडवोकेट हूँ सर। क्यों पहुंचे आप यहाँ? सर, हम प्रयास रहता है कि जहाँ भी बहुजन एकता की बात हो, जहाँ मूल निवासी लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ हम हर जगह जाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर चूंकि ये रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो भारतीय संविधान पर जो आघात हो रहा है, भारतीय संविधान पे जो आज निजीकरण हो रहा है, जो आज शिक्षा का दोहरीकरण हो रहा है, उसके लिए संविधान को बचाने के लिए जो रन फॉर अम्बेडकर हुआ है, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जहाँ तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बाबा साहब ने जिसको निर्मित किया, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, 2 साल 18 महीने उन्होंने जो है इस पर काम किया, और उन्होंने अपने परिवार को, अपने मतलब बीवी बच्चों को उन्होंने नहीं देखा, तो उस संविधान को बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज लोग हम लोग जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारी पहचान है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कौन कौन बड़े लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर? एक हनु थप्पा जी हैं, जो पीछे 88 वर्ष के हैं, और वो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने जो कल्याण संघ जो इस कार्यक्रम को करा रहा है उसकी स्थापना उन्होंने की थी। यहाँ पर एक मेघवाल जी जो सेंटर में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है। यहाँ पर लोग लखनऊ से, फिरोजाबाद से और अन्य शहरों से, यहाँ पर सभी जिलों से यहाँ पर लोग आए हैं। आपको क्या लगता है समाज में संविधान के बारे में क्या अभी तक जो जानकारियां पहुंचना चाहिए तो अभी तक नहीं पहुंची, या संविधान के बारे में समाज में बहुत ज़्यादा जागृति फैलाने की ज़रूरत है? जी, इसमें बिल्कुल आपने जो कहा कि जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और जो अनटचेबिलिटी आज हमारे देश में है, जो 70 साल पहले जो संविधान लागू हुआ, ये तब से लेकर के आज तक भी छुआछूत की भावना वो आज तक भी लोगों के दिमाग में है। आज तक भी जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शिक्षा की वजह से, जो भारतीय संविधान की वजह से जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो सिर्फ शिक्षा की वजह से बड़े हैं, क्योंकि हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनके पास वो जमींदार नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, उनके पास सोने चांदी की दुकान नहीं है, उनके पास कोई व्यापार नहीं है, वो बहुत बड़े नहीं। अगर वो पहुंचे हैं यहाँ तक, अगर शहरों में पहुंचे हैं, यदि वो AC के मकानों में रहते हैं, AC की गाड़ियों में चलते हैं, या अपना आज बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करते हैं, और कोट पैंट पहन के अगर चलते हैं, तो वो सिर्फ शिक्षा की देन है। और ये शिक्षा जो मिली है बाबा साहब के संविधान से मिली है, क्योंकि अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, और आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है तो सब लोग यहाँ तक जो पहुँचे वो आरक्षण की व्यवस्था की वजह से पहुँचे। इसलिए जो मनुवादी सोच की सरकार है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, आज वो ये सोचते हैं कि ये अच्छा क्यों बोलते हैं, क्यों अच्छा पहनते हैं, और क्यों अच्छा अच्छी जो अपने बच्चों को ये पढ़ाई दे रहे हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो शिक्षा पे कुठाराघात हो रहा है, उसी वजह से संविधान पे कुठाराघात हो रहा है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो इसलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के बारे में जानकारियां रखते हैं, क्या OBC इन सारी चीज़ों से बहुत दूर चला गया है या दूर जाता जा रहा है?
बिल्कुल, जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को जागने की जरूरत है। ओबीसी समाज को इसलिए जागने की जरूरत है क्योंकि यदि आज उनकी पहचान बनी है तो उनकी पहचान भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान में यदि 21.5% आरक्षण एससी एसटी को मिला है तो 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को भी मिला है। जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को भारतीय संविधान पढ़ने की जरूरत है। ओबीसी समाज को जो बहुजन महापुरुष हैं, जो पेरियार हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, ज्योतिबा राव फूले हैं, ये अन्य जो महापुरुष हैं, उनको लल्लई सिंह यादव हैं, उनको उनको पढ़ने की जरूरत है कि उन लोगों ने संघर्ष क्यों किया, उन लोगों ने बहुजन समाज को एक करने के लिए संघर्ष किया। वो कहीं ना कहीं जो मनोवादी सोच की व्यवस्था है उसमें कहीं जकड़े हुए हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो 15% लोग हैं वो उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं। उनको कहीं भी आप देख लीजिए, जो अगर हम जाएं केंद्रीय सरकार के जो सचिवालय सचिव हैं उसमें अगर देखा जाए तो 25 जो सचिव हैं उसमें से 23 ब्राह्मण हैं और मनुवा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। उनको उनको यही नहीं पता है कि हमारा कहीं प्रतिनिधित्व भी नहीं है। उसके लिए उनको जागना चाहिए, भारतीय संविधान के दायरे में आकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए मूल निवासियों के साथ एससी एसटी के लोगों के साथ आकर के उन्हें संघर्ष करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑल इंडिया फेडरेशन एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जो अभी आपको वीडियो के शुरू में दिखाया। बने रहिए एमएनटीवी के साथ, धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए एमएनटीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।